हेलो, वेलकम इन एके स्टडी 1024। मैं वरुण कुमार यादव और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं मेनली कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, लेकिन हम थोड़ा डिस्कस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट को भी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस वीडियो में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि क्या डिफरेंस होता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो मतलब सबसे पहली बात हम सीखेंगे डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। दूसरी बात हम क्या सीखने वाले इस वीडियो में, दूसरी बात हम ये सीखने वाले इस वीडियो में, देखिए सिंपल इंटरेस्ट तो हम सब आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन जब बात आती है कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है अमाउंट का। कंपाउंड इंटरेस्ट से कैलकुलेटेड अमाउंट जो होता है वो कैसे आता है, पी प्लस आर डिवाइड बाई 100 और इसकी पावर एन, ठीक है। पी क्या है, पी प्रिंसिपल है, आर क्या है, आर रेट है, ठीक है। देखिए इसमें क्या दिक्कत आती है, जब तक n फ्रैक्शन नहीं है तब तक तो हम आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। n एक पूरा नंबर है जैसे 1, 2, 3 ऐसे, लेकिन जब n जो है वो फ्रैक्शन में आने लग जाता है, जब n की वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाए, जैसे मान लीजिए 2 and half आ गई, 3 and half आ गई, तब हमें दिक्कत होती है। क्योंकि अगर अब हम इस फॉर्मूले में n की जगह 2 and half पुट करेंगे तो पावर फ्रैक्शन में है, तो ये कैलकुलेट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो हम इसको कैसे सॉल्व करें, ठीक है। तो ये दूसरी बात थी जो हम इस वीडियो में सीखने वाले। तीसरी बात हम क्या सीखने वाले इस वीडियो में, तीसरी बात हम सीखने वाले हैं, आपने क्वेश्चन में पढ़ा होगा कंपाउंड इंटरेस्ट में, ठीक है, सिंपल की तो हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट में आपने पढ़ा होगा कि कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इन सब का क्या मतलब होता है, ठीक है, हम ये भी सीखने वाले हैं इसमें। इन सब से क्या होता है, देखिए मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे अगर जो टाइम है वो 2 साल का है, और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो कंपाउंडेड एनुअली होता है, तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में एन की वैल्यू अगर टाइम 2 है, 2 ईयर्स है, तो इसकी वैल्यू भी कितनी जाएगी, 2 ईयर, ठीक है। अगर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है पर एनुअल कंपाउंडेड एनुअली, लेकिन अगर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है पर एनुअल कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो हम वहां पे एन की वैल्यू 2 नहीं लेंगे, भले ही टाइम कितना है 2 ईयर्स है, हम वहां पे एन की वैल्यू कितनी देते हैं 4। तो एन की वैल्यू हम कैसे लेते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये 3 बातें हैं मेनली जो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं डिफरेंस से, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है उसकी बात कर लेते हैं पहले। तो चलिए अब समझते हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को एक छोटी सी कहानी से, ठीक है। मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को 100 रुपये उधार दिए, ठीक है, तो इस पे ही आपको ब्याज मिलेगा, मतलब ये हो जाएगा आपका प्रिंसिपल। जो रेट तय हुआ वो था 10% का, ठीक है, और जो टाइम था आपने 2 ईयर्स के लिए उसे ये 100 रुपये उधार दिए हैं, ठीक है। तो देखिए इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है सिंपल इंटरेस्ट का, अभी हम डायरेक्ट फॉर्मूले की बात नहीं कर रहे हैं, पहले हम समझ रहे हैं कि ये होता क्या है, ठीक है। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट जो मिल रहा है आपको पहले साल, वो कैसे मिलेगा आपको, पहले साल का कैसे मिलेगा आपको, 10% मिलेगा जितना आपने दिया है उसका, आपने कितने रुपए दिए हैं 100, मतलब आपको 10% of 100 रुपीज मिलने वाला है पहले साल का इंटरेस्ट, ठीक है। तो 10 divided by 100 of 100, 100 से 100 कट गया, 100 बन जाए 100, यहाँ पर क्या आया 10, 10 बन जा 10। तो पहले साल जो आपको ब्याज मिलेगा वो 10 रुपये का होगा, ठीक है। सेकंड ईयर यानी कि जो दूसरे साल आपको ब्याज मिलने वाला है वो मान लीजिए SI2 है, ठीक है, मैंने जो SI2 लिखा है ये दूसरे ईयर का ब्याज है, तो फिर से आपको क्या मिलेगा, 10% ही मिलेगा। किसका 10% मिलेगा, उसी पैसे का जो आपने शुरू में दिया था, क्योंकि ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज हमेशा उसी पर मिलता है जो हमने शुरू में दिया होता है, यानी जो शुरू में हमारा पी होता है। तो ये हो जाएगा 10 divided by 100 of 100, फिर से 100 बन जा 100, 100 बन जा 100, क्या बचा यहाँ पे 10। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो दूसरे साल का ब्याज आया वो कितने रुपए है, 10, और जो पहले साल का ब्याज आया था वो भी कितने रुपीज है, 10। तो दोनों सालों का जो ब्याज है वो सेम है, और 2 साल के बाद जो आपको अमाउंट मिलने वाला है, अमाउंट को आप अगर ऐसी सिंपल भाषा में आपको समझाऊं तो ये वो पैसा है जो आपको टोटल मिलने वाला है। मतलब देखिए जो आपने दिया था वो तो आप लोगे ही, तो आपने उसे पी दिया था, पी मीन्स 100 रुपीज, वो तो आप लोगे ही, प्लस में टोटल
एस आई लिया आपने सिंपल इंटरेस्ट, तो टोटल इंटरेस्ट आपको कितना मिल चुका है? टोटल इंटरेस्ट मिल चुका है, पहले साल आपको मिला 10 रुपये और दूसरे साल भी आपको मिला 10 रुपये, ठीक है, यानी कि ऐसे करके आपको टोटल 20 रुपये मिला है, ठीक है। तो एस आई जो है वो है एस आई वन जमा एस आई टू, ठीक है, तो ये हो गया एस आई। तो आपने उसे 100 रुपये दिए थे, 20 रुपये उसने आपको एक्स्ट्रा दिए, तो इस तरह से आपका जो अमाउंट हो गया वो हो गया 120 रुपये। लेकिन अगर यही होता कंपाउंड इंटरेस्ट में, फिर से मैं बता रहा हूँ, मैंने अभी कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाया, उसकी बात हम करेंगे अभी, ठीक है। यही कहानी अगर मान लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट में है, मतलब आपने किसी व्यक्ति को 100 रुपये उधार दिए हैं, 100 रुपीज उधार दिए हैं आपने किसी व्यक्ति को, ठीक है, रेट फिर से 10% ले लेते हैं, ठीक है, और जो टाइम है फिर से 2 ईयर्स का ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कंपाउंडेड एनुअली है, ठीक है, रेट हमने कैसे दिया है, पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। अब कंपाउंडेड एनुअली हाफ ईयरली क्या मतलब होता है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी यहाँ मान लीजिए कंपाउंडेड एनुअली चल रहा है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको जो इंटरेस्ट मिलने वाला है कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल का, वो क्या होगा, वो होगा 10% ऑफ जो आपने दिया था। आपने कितना दिया था, 100 रुपीज, तो पहले साल आपको जो ब्याज मिलेगा वो उसी 100 का 10% मिलने वाला है, ठीक है। तो हो जाएगा 10/100 ऑफ 100, अभी हमने इसको कैलकुलेट किया था कितना आया था, 10 आया था, ठीक है, तो फिर से ये 10 आ जाएगा। तो पहले साल का जो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिला वो 10 आया है, ठीक है। तो पहले साल का देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट सेम है, तो पहले साल की में कोई डिफरेंस नहीं होता। कहानी अब चालू होगी असली, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, एक साल के बाद हम देखते हैं कि जो हमने दिया था और जो हमें एक्स्ट्रा मिला वो कितना हो गया, मतलब हमारा अमाउंट क्या है एक साल के बाद, तो इसे A1 लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो देखिए 100 रुपये दिए गए थे इस व्यक्ति को, और पहले साल के बाद अगर ये एनुअली काउंट होता है तो 10 रुपये भी आप ब्याज मिल जाएगा, ठीक है, तो ऐसे टोटल कितना हो जाएगा, 110 रुपये। अगली साल जो हमें ब्याज मिलेगा वो इस 100 रुपये पे नहीं मिलेगा, अब वो इस 110 रुपये पे मिलेगा, यही डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में, ठीक है। मतलब अगली साल जो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलने वाला है, अगर मैं उसको CI2 बोल दूं, तो ये जो CI2 है ये रहेगा तो 10% ही, क्योंकि ये रेट जो है ये 10% ही रहता है, लेकिन ये किसका 10% हो जाएगा, ये पहले अमाउंट का हो जाएगा, ना कि पहले प्रिंसिपल का, ठीक है। तो ये अब हो जाएगा 110 रुपये का 10%, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10/100 ऑफ 110, 10 से 10 खत्म, 10 से 10 खत्म, यहाँ बचा 11, 1 जा 11। तो यहाँ से जो कंपाउंड इंटरेस्ट आया दूसरे साल का वो कितना आया, 11 रुपये, लेकिन जो पहले साल का था वो कितना था, वो था 10 रुपये, ठीक है। आप देख सकते हैं इससे ज़्यादा हो गया, और दोनों साल का कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो सेम नहीं है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें अमाउंट की, तो इसमें अब आपको अमाउंट कैसे मिलेगा, आपने जो दिया था वो तो लोगे ही, ठीक है, जो आपने प्रिंसिपल दिया था वो तो आप लोगे ही, और फिर आप देखोगे दोनों सालों में आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ, ठीक है। तो दोनों सालों में जो कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ उसे अगर हम CI बोल दें, तो CI कैसे आएगा, पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ के प्लस में दूसरे साल का, तो पहले साल का तो आपको 10 रुपये ही है, दूसरे साल का 11 रुपये है, तो 10 और 11 यानी कि 21, ठीक है, 21 आ जाएगा। तो यहाँ से P प्लस में कंपाउंड इंटरेस्ट, आपने दिया था 100 रुपये, आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं 21 रुपीज, मतलब आपको टोटल जो मिलेगा अमाउंट वो कितना हो जाएगा, 121 रुपीज, ठीक है। तो ये थी इसकी कहानी, अब देखते हैं इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। ये क्या था, ये था सिंपल इंटरेस्ट, और जो इधर हमने डिस्कस किया है वो क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट का जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वो होता है PRT/100, ठीक है। अभी हमने देखा था 120 आया था अमाउंट, और दो सालों का जो सिंपल इंटरेस्ट था वो 20 रुपये आया था, तो इससे हम डायरेक्टली एक बार में ही निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे, देखिए SI=P क्या था, 100 रुपये दिए थे हमने, रेट कितना था, 10% था, टाइम कितना था, दो साल का था, डिवाइड बाई 100, 100 से 100 खत्म, 100 बन जा 100, 100 बन जा 100, 10 2 जा 20, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से ये फॉर्मूला हमें डायरेक्ट दे देता है जितने टाइम का हम ले रहे उतने का सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अगर आपको अमाउंट निकालना है
तो आप क्या करोगे, प्रिंसिपल में ये सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर दोगे। ठीक है, क्यों ऐड करते हैं अब तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये 100 हुआ और ये 20 हुआ, तो ये हो गया 120। ठीक है, आप देख सकते हैं अभी जो हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाला था 1/1 ईयर करके, तब भी कितना आया था 120। ठीक है, अब बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। ये है कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारे पास अमाउंट का फॉर्मूला होता है डायरेक्टली। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट से कैलकुलेटेड अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, पी 1+R/100 की पावर n, जो मैंने शुरू में बताया था कि अगर n फ्रैक्शन आ जाए तो हमें दिक्कत होती है। खैर यहाँ पर n जो है वो फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है। ठीक है, जो कि हमने माना था, तो t कितना होता है उतना ही जितना n होता है, तो मतलब n को हम यहाँ पे 2 ले लेंगे, क्योंकि 2 साल है और कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है। तो यहाँ से a की जो वैल्यू आएगी वो होगी 100 1+R, रेट कितना था 10%। ठीक है, डिवाइड बाय 100 और n कितना है, n है 2। हाफ ईयरली में क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए ये हो गया 100, इससे ये कट गया, तो यहाँ बचा 1+1/10 की पावर 2, तो यहाँ पे आया 100। ठीक है, अब चाहे तो इसको एलसीएम ले लें। ठीक है, इसके नीचे 1 लिख के 1 और 10 का एलसीएम 10 आ गया, लेकिन जब 1 होता है तो एलसीएम यही आना है, तो हम क्या करेंगे सीधा। ठीक है, जब 1 हो इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है। ठीक है, यहाँ पर तो आप क्या करो, इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो, 10 1 जा 10 और 1 ये जोड़ दो, 10 और 1 11, तो ऊपर आ जाएगा 11 और नीचे आएगा 10, और इसका क्या है, इसका स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 100 × 11/10 का होल स्क्वायर है, मतलब 11/10 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 2 बार, 1 0 से ये 0 खत्म, 1 0 से ये 0 खत्म, यहाँ बचा 11 × 11, और यहाँ पे क्या है अमाउंट। 11 × 11 कितना होता है, 11 × 11 होता है 121। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर जब हमने 1/1 ईयर निकाला था तब भी कितना आया था 121, और अभी भी कितना आया 121। ठीक है, आप देखिए अब वहां पर इंटरेस्ट कितना आया था, वहां पर इंटरेस्ट आया था दोनों सालों का मिला के 21 रुपये। यहाँ पर भी आप निकाल सकते हो सेम लॉजिक है, जो आपको अमाउंट मिला है ये कैसे आया होगा, ये आया होगा प्रिंसिपल प्लस में कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ के। अमाउंट कितना है 121, प्रिंसिपल आपने कितना दिया था 100 रुपये, प्लस में क्या आएगा CI, तो CI की वैल्यू कितनी हो जाएगी 121, यहाँ 100 प्लस में है कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या निशान है, प्लस है। ठीक है, हम लेफ्ट में देखते हैं निशान नंबर के, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, तो 121 में से 100 गया कितना बचा 21 रुपये, मतलब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला 21 रुपये। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जो मैंने एक बात बोली थी कि अगर जो n है वो फ्रैक्शन में है तब हम क्या करेंगे, तो देखिए अगर जो n है वो फ्रैक्शन में है, मान लीजिए ऐसे है 2.5, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, सिंपल की नहीं। ठीक है, तो आप क्या करो, आप n को 2 और आधा अलग लिख लो। ठीक है, तो n बराबर 2 के लिए आप फॉर्मूला लगाओ ये वाला, a इज इक्वल टू पी 1+R/100 की पावर n, n की जगह 2 लिख दो। अब देखिए यहां से आपको क्या पता लग जाएगा, यहां से आपको अमाउंट पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये अमाउंट जो बचा हुआ टाइम है यानी कि जो हाफ ईयर है उसके लिए क्या एक्ट करेगा एज ए प्रिंसिपल, जैसा कि अभी पीछे आया था 110 पहले साल का आया था, और वो 110 अगले साल के लिए कैसे यूज कर रहा था, प्रिंसिपल की तरह एक्ट कर रहा था। ठीक है, तो जब ये आपके प्रिंसिपल मिल जाएगा अगले साल के लिए, तो आप क्या करो अगले हाफ ईयर के लिए टाइम कितना ले लो 1/2। ठीक है, और फिर आप अगले हाफ के लिए जो इंटरेस्ट निकाल लो PRT वाले फॉर्मूले से, PRT/100। ठीक है, यहाँ पे आप टी हाफ ले लेना, प्रिंसिपल आप कौन सा लोगे जो इसका अमाउंट आया है, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ से फिर आपको यहाँ का इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, जो टोटल अमाउंट होगा, ठीक है, उसे हम AT बोल देते हैं टोटल, वो कैसे आएगा, जो अभी तक आपको पे करना था यानी A, और जो यहाँ पर इंटरेस्ट आया यानी I। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। अब देखिए अब इस क्वेश्चन से हम समझते हैं जो मैंने आपको बताया उसका मतलब क्या था। यहाँ पर हमें अमाउंट फाइंड करना है और इंटरेस्ट फाइंड करना है। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 18,000, टाइम कितना है 2.5 ईयर्स, रेट क्या है 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली,
मैंने अभी आपको क्या बताया, जब एनुअली कंपाउंडेड होगा तो जो टाइम होगा ईयर्स में वही क्या हो जाएगा, एन। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर एन की वैल्यू जो है वो होगी 2n 1/2। तो इसको आप कैसे लिख लोगे, इसको आप 2 अलग लिख लोगे और हाफ अलग लिख लोगे। इस 2 के लिए आपको क्या फॉर्मूला लगाना है, इस 2 के लिए आपको अमाउंट का फॉर्मूला लगाना है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट से अमाउंट कैलकुलेट होगा वो क्या होगा, पी 1+r/100 और इसकी पावर n, n यानी कि यहाँ पर आपको 2 लेना है पहले n। ठीक है, हाफ अभी आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। तो यहाँ से अमाउंट जो होगा वो होगा पी, पी कितना है 18,000, 1+r, r क्या है 10%, तो आप लिखोगे यहाँ पे 10/100 और उसकी पावर n है, n की वैल्यू आपको क्या लेनी है 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो ही कट गया, यहाँ पर बचा 18100। ठीक है, यहाँ पे बचा 1+, यहाँ पे बचा है 1/, नीचे बचा है 10 और इसकी पावर बची है 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 18000, 10 1 जा 10, जैसे कि मैंने अभी बताया था 10 1 जा 10 और 1 11 10 और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा ये 18000 11/10 11/10। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म। ठीक है, 11 × 11 कितना होता है 121 और यहाँ पे आ जाएगा 180। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 21780 रुपीस। ठीक है, तो ये हो गया 2 सालों के बाद का अमाउंट। ठीक है, पर हमारे पास टोटल 2.5 साल थे, तो 2 साल के बाद के जो आधे साल हैं उसके लिए ये अमाउंट कैसे काम करेगा, प्रिंसिपल की तरह। ठीक है, तो मतलब जो प्रिंसिपल होगा बाद के सालों के लिए, ठीक है, मैं उसे पी डैश बोल देता हूँ, वो क्या हो जाएगा, वो यही अमाउंट हो जाएगा, यानी कि 21780। ठीक है, अब हमें टी को क्या लेना है, टी को हाफ ईयर ले लेना है और सिंपल इंटरेस्ट जैसा फॉर्मूला लगा देना है। अब आप ये मत सोचिए कि यहाँ पर हम फॉर्मूला तो पी आर टी लगा रहे हैं डिवाइड बाय 100, ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, जबकि यहाँ हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था, तो हम ये फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं भाई सिंपल इंटरेस्ट का कंपाउंड इंटरेस्ट में, क्योंकि सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में सिर्फ यही तो डिफरेंस होता है कि जो पहले का अमाउंट होता है वो बाद वाले टाइम के लिए क्या बन जाता है, प्रिंसिपल बन जाता है। तो ये बन गया है प्रिंसिपल पहला वाला, मतलब ये कंपाउंड इंटरेस्ट ही निकाल रहे हैं। ठीक है, तो आप इसमें कन्फ्यूज मत होइए, अगर ये फॉर्मूला हम लगाते और प्रिंसिपल शुरू वाला ही लेते तब हम कह सकते थे कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन हम प्रिंसिपल शुरू वाला नहीं ले रहे हैं, अब हमारा नया प्रिंसिपल बन गया है, इसीलिए ये तरीका सही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, पी, पी की वैल्यू हम क्या लेंगे, अब ये लेंगे 21780 इंटू में आर, रेट तो सेम रहेगा, रेट कितना था 10%। ठीक है, तो आर 10% ही रहेगा, यानी कि 10 आ जाएगा। टाइम अब देखिए कितना है, बाद के आधे साल के लिए, यानी 1/2 ईयर, यहाँ पर जाएगा 1/2 / 100 है तो 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो खत्म, इस जीरो से ये जीरो खत्म, ऊपर क्या बचा है, ऊपर बचा है 2178 और नीचे क्या बचा है 2। ठीक है, तो जब आप इसको इससे काटोगे तो 2 1 जा 2 2 1 जा 2। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ नहीं है, तो 1 और 7 दो नंबर को जब एक साथ मिलाते हैं तो एक जीरो बढ़ाते हैं, 2 8 जा 16, 1 बचा 1 क्या गया 8 18, 2 9 जा। ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं काट सकते हैं, तो आप 2 से रफ में डिवाइड करके भी देख लो, यही आंसर आएगा 1089। ठीक है, तो आधे साल के लिए, बाद वाले आधे साल के लिए जो इंटरेस्ट आया वो कितने रुपए का आया है, 1089। तो अब देखिए ये जो पहले अमाउंट आया था, ठीक है, ये क्या था, ये था 2 साल के बाद जितना पैसा देना था और अगले आधे साल बाद इतना इंटरेस्ट और एक्स्ट्रा देना होगा, तो हम कह सकते हैं कि जो टोटल अमाउंट आएगा, टोटल अमाउंट वो क्या होगा, वो होगा 21780 प्लस में 1089। ठीक है, इन दोनों को आप जोड़ोगे तो आएगा 22869 रुपीस। तो मतलब ये टोटल अमाउंट है। अगर हम अब बात करें हमारे पास टोटल इंटरेस्ट कितना आया, तो जाहिर सी बात है, ठीक है, टोटल अमाउंट जो आया होगा वो कैसे आया होगा, 84 टोटल अमाउंट। ठीक है, टोटल अमाउंट कैसे आया होगा, टोटल जो प्रिंसिपल था प्लस में ये सी आई,
ठीक है। तो टोटल अमाउंट हमारे पास आया 22869। प्रिंसिपल हमने शुरू में कितने दिया था, 18,000, यानी प्रिंसिपल के नीचे आप लिख दो 18,000 प्लस में सीआई बच जाएगा, तो सीआई आपका यहाँ से निकल जाएगा। सीआई कैसे आएगा, 22869 माइनस 18,000, ठीक है। इसमें से आप ये घटाओगे तो यहाँ पे घटाने के बाद आपको कितना मिलेगा, घटाने के बाद आपको मिलेगा 4,869 रुपीज़, ठीक है। तो ये हो गया टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट 2.5 साल का, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं आखिरी पॉइंट की। आखिरी पॉइंट में मैंने कहा था कि जो एन है उसकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाफ ईयरली में, एनुअली में, इन सब में, ठीक है। देखिए अगर आपका जो इंटरेस्ट है, ठीक है, वो पर एनम कंपाउंडेड ईयरली होता है या एनुअली होता है, तो आप क्या करोगे, तो आप एन की वही वैल्यू लोगे जो ईयर्स में टाइम दिया हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं हमें टाइम दिया हुआ है 3 ईयर्स, ठीक है, 3 ईयर्स, तो हम एन की वैल्यू क्या ले लेंगे इस केस में, 3 ही ले लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर वो पर एनम हाफ ईयरली लिखा हुआ है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तब आप क्या करोगे, तब जो एन की वैल्यू है वो आप कैसे निकालोगे, जो टाइम है उसे आप डिवाइड कर दोगे हाफ से, ठीक है। तो टाइम कितना है, टाइम है 3 साल, 3 को आप डिवाइड करोगे हाफ से, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए जब नंबर के नीचे फ्रैक्शन हो तो आप क्या करते हो, फ्रैक्शन को उलट देते हो, 1/2 है ना, तो 2 ऊपर ले जाओगे और 1 नीचे ले आओगे और मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 3×2 जा कितना हो जाएगा, 6। इसीलिए हाफ ईयरली में, अगर 3 साल की बात कर रहे हैं हम, कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता है पर एनम, तो एन की वैल्यू 6 हो जाती है। इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई जब कंपाउंडेड एनुअली था तो हम देखते हैं कि 1 साल 3 साल में कितनी बार आएगा, 3 बार। इसी तरह से जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो हम देखते हैं हाफ ईयर 3 साल में कितनी बार आएगा। देखिए 1 साल में आप 2 हाफ ईयर बना सकते हो, तो 3 साल में आप कितने हाफ ईयर बनाओगे, 6 हाफ ईयर बनाओगे, आप ऐसे भी सोच सकते हो। तो देखिए इसी तरह से जो भी आपको दिया है, मान लीजिए यहाँ पर हाफ ईयरली ना देखे 3/4 ईयरली दिया होता, 3/4 पर एनम, तो आप टाइम को 3/4 से डिवाइड कर देते, जितने से भी दिया आप उसको टाइम से डिवाइड कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये डिवाइड वाला तरीका आप यहाँ भी लगा सकते हो। एन की वैल्यू क्या है, टी डिवाइड बाई जितना दिया है, अगर कंपाउंडेड एनुअली होता तो मतलब 1 से डिवाइड करते, इसीलिए सीधा सीधा वही आ जाता है, ठीक है। 3 होता तो 3/3 क्या 3 आ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, यानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।